जैसे ही ट्रेन रवाना होने को हुई, एक औरत और उसका पति एक ट्रंक लिए डिब्बे में घुस पड़े। दरवाजे के पास ही औरत तो बैठ गई, पर आदमी चिंतातुर खड़ा था। जानता था कि उसके पास जनरल टिकट है और ये रिजर्वेशन डिब्बा है। टीसी को टिकट दिखाते उसने हाथ जोड़ दिए, ये जनरल टिकट है, अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चले जाना वरना 800 की रसीद बनेगी, कह के टीसी आगे चला गया। पति पत्नी दोनों बेटी को पहला बेटा होने पर उसे देखने जा रहे थे। सेठ ने बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी और 700 रुपये एडवांस दिए थे। बीबी लोहे की पेटी के साथ जनरल बोगी में बहुत कोशिश की पर घुस नहीं पाए, लाचार होकर स्लीपर क्लास में आ गए थे। साहब, बीबी और सामान के साथ जनरल डिब्बे में चढ़ नहीं सकते, हम यहीं कोने में खड़े रहेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी, टीसी की ओर 100 का नोट बढ़ाते हुए कहा। 100 में कुछ नहीं होता, 800 निकालो वरना उतर जाओ। 800 तो गुड्डों की डिलीवरी में भी नहीं लगे साहब, नाती को देखने जा रहे हैं, गरीब लोग हैं, जाने दो ना साहब, अब की बार पत्नी ने कहा। तो फिर ऐसा करो, 400 निकालो, 1 की रसीद बना देता हूं, दोनों बैठे रहो। ये लो साहब, रसीद रहने दो, 200 रुपये बढ़ाते हुए आदमी बोला। नहीं नहीं, रसीद दो बनानी ही पड़ेगी, ऊपर से आर्डर है, रसीद तो बनेगी ही, चलो जल्दी 400 निकालो वरना स्टेशन आ रहा है, उतरकर जनरल बोगी में चले जाओ, इस बार कुछ डांटते हुए टीसी बोला। आदमी ने 400 रुपये ऐसे दिए मानो अपना कलेजा निकालकर दे रहा हो। दोनों पति पत्नी उदास रुआं से ऐसे बैठे थे मानो नाती के पैदा होने पर नहीं उसके शोक में जा रहे हो। कैसे एडजस्ट करेंगे ये 400 रुपये? क्या वापसी की टिकट के लिए समधी से पैसे मांगना होगा? नहीं नहीं, आखिर में पति बोला, 100-150 तो मैं ज्यादा लाया ही था, गुड्डो के घर पैदल ही चलेंगे, शाम को खाना नहीं खाएंगे, 200 तो एडजस्ट हो गए, और हाँ आते वक्त पैसेंजर से आएंगे, 100 रुपये बचेंगे, 1 दिन जरूर ज्यादा लगेगा, सेठ भी चिल्लाएगा, मगर मुन्ने के लिए सब सह लूंगा, मगर फिर भी ये तो 300 ही हुए। ऐसा करते हैं, नाना नानी की तरफ से जो हम 100-100 देने वाले थे ना, अब दोनों मिलकर 100 देंगे, हम अलग थोड़े ही हैं, हो गए ना 400 एडजस्ट, पत्नी ने कहा, मगर मुन्ने में कम करना, और पति की आंख छलक पड़ी। मन क्यों भारी करते हो जी, गुड्डो जब मुन्ना को लेकर घर आएंगी तब 200 ज्यादा दे देंगे, कहते हुए उसकी आंख भी छलक उठी, फिर आंख पोंछते हुए बोली, अगर मुझे कहीं मोदी जी मिले तो कहूंगी, इतने पैसों की बुलेट ट्रेन चलाने के बजाय इतने पैसों से हर ट्रेन में 4-4 जनरल बोगी लगा दो, जिससे ना तो हम जैसों को टिकट होते हुए भी जलील होना पड़ेगा और ना ही हमारे मुन्ने के 100 रुपये कम हो। उसकी आंख फिर छलक पड़ी। अरे पगली, हम गरीब आदमी हैं, हमें वोट देने का तो अधिकार है पर सलाह देने का नहीं, रो मत। विनम्र प्रार्थना है जो भी इस कहानी को पढ़ चुका है उसे इस घटना से शायद ही इत्तेफाक हो, पर अगर ये कहानी शेयर करे, कॉपी पेस्ट करे, पर रुकने ना दे, शायद रेल मंत्रालय जनरल बोगी की भी परिस्थितियों को समझ सके। उसमें सफर करने वाला एक गरीब तबका है जिसका शोषण चिरकालीन से होता आया है। एक कोशिश परिवर्तन की ओर।